वो करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और अब क्रिमिनल्स में एक स्टोरी एयर होस्टेस की, जहां एयर होस्टेस जो रायपुर से मुंबई जाती है अपनी बहन और दोस्त के साथ फ्लैट में रह रही थी। बहन और दोस्त किसी काम से गांव चले गए और इधर घर वाले अपनी बेटी को कॉल लगाते रहे, लेकिन बेटी ने कॉल रिसीव नहीं किया। जब पड़ोसी और दोस्त एयर होस्टेस के फ्लैट पर पहुंचे, अंदर का मंजर खौफनाक था। एयर होस्टेस का मर्डर हो चुका था। आखिर हत्यारा कौन था? सीसीटीवी में कैद है ये तस्वीर एयर होस्टेस के कातिल का सुराग। एक्यूज का जो इंट्रोगेशन है उसमें यही सामने आया कि संडे के दिन सुबह के वक्त में ही ये घटना हुई है। एयर होस्टेस का मर्डर। बंद फ्लैट की खौफनाक मिस्ट्री। धारदार हथियार से गला रेता। किसने की थी घर में एंट्री? सपनों की उड़ान का कातिल कौन? क्लीनर निकला कातिल, सीसीटीवी ने खोला राज। महज 23 साल की उम्र थी रूपा लोगरे की, सपनों की नगरी, माया नगरी मुंबई में, जो अपने ख्वाब लेकर आई थी। ऊंची उड़ान का सपना लेकर 6 महीने पहले ही मुंबई में आई। रायपुर के राजेंद्र नगर की रहने वाली रूपल ओगरे एयर इंडिया में ट्रेनी एयर होस्टेस थी। रूपल अपनी बहन और दोस्त के साथ मुंबई के पवई थाना इलाके के मारवा रोड पर बनी एनजी हाउसिंग सोसाइटी में मरोल के एनजी कॉम्प्लेक्स में रह रही थी। रूपल की बहन और दोस्त कुछ दिन पहले ही गांव चले गए थे। इधर घर वाले रूपल को कॉल लगा रहे थे, लेकिन रूपल घर वालों के कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। महिला है वो अपने घर पे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रही थी, कोई भी फोन उनका रिसीव नहीं कर रही थी। तो उनके जो लोकल फ्रेंड्स हैं उनको वहाँ पे भेजा गया था। उन्होंने जब ये ओपन किया घर, तो ये घटना सामने आई कि इनका मर्डर हो चुका है। ये बात घर वालों को खटक रही थी। इधर रूपल का हालचाल जानने के लिए घर वालों ने पड़ोसियों से कांटेक्ट किया, दोस्त को भी रूपल के घर भेजा, लेकिन फ्लैट का दरवाजा बंद था। चाबी बनाने वाले को भी बुलाया गया, दरवाजा खुला तो सब सन्न रह गए। रूपल की लाश घर में मिली, गला रेत कर रूपल का कत्ल किया गया था। ओवी पुलिस स्टेशन में एक महिला के हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग 8 टीम्स फॉर्म किए गए थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और बाकी की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक एक्यूज को हिरासत में लिया जा चुका है और इस केस का आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस की 8 टीमें इस मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। आखिर किसने घर में एंट्री की, कैसे की और कातिल कौन था? सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सोसाइटी में काम करने वालों से पूछताछ हुई, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई, और फिर सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ में सोसाइटी में काम करने वाला क्लीनर विक्रम अड़वाल पुलिस के शक के रडार पर आया। एक्यूज डेली तौर पे काम पे जाने वाला एक क्लीनिंग कंपनी का एम्प्लॉय है और उसका बैकग्राउंड और बाकी क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स हम चेक कर रहे हैं। मोटिव के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जल्दी मोटिव भी सामने आ जाएगा। जिस
उसने कबूल किया कि उसने रूपल की हत्या की थी। आरोपी विक्रम, जिसकी उम्र 40 साल है, जो पिछले कई सालों से सोसाइटी में क्लीनर का काम करता है, उसने एयर होस्टेस रूपल की हत्या क्यों की, ये राज अब तक राज ही है। मुंबई से प्रशांत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दो भाइयों की गुमशुदगी की वो मिस्ट्री, जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं लेकिन दोनों भाई लापता हो जाते हैं। जिनकी बाइक को बोलेरो ने टक्कर मारी थी, पुलिस कर्मचारी को खबर मिली कि दोनों को बंधक बनाकर खेत पर रखा गया, लेकिन खेत पर दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। मिलते हैं तो बस दो बोरे, जिन दो बोरों में थी दो लाशें। आखिर खेत में डबल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है, आप भी देखिए। किलोमीटर की मिस्ट्री, देवास टू आगर मालवा, पहले बाइक को मारी टक्कर, दो बोरे में बंद लाश का राज। खेत में डबल मर्डर, इस इलाके में सब सन्न है। ये मिस्ट्री है दो भाइयों की गुमशुदगी की, जो देवास के घरटखेड़ी गांव से बाइक से निकले थे, लेकिन उसके बाद दोनों लापता हो गए। अब दोनों भाई कहां लापता हो गए, इसका राज इस खेत में बने कमरे में कैद है। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि एक जगह पर बाइक पड़ी हुई है, तो क्या दोनों लापता लड़कों का एक्सीडेंट हुआ था? बाइक तो मिल गई, लेकिन अब भी ये गुमशुदगी ट्रेस नहीं हुई। अब इस खेत में बने कमरे में कौन सा राज कैद था? तो पुलिस को मुखबिरों से ये खबर मिली थी कि दो लड़कों को बंधक बनाकर यहाँ रखा गया है। क्या ये दोनों लड़के वही थे जो लापता थे? राज खुलना अब भी बाकी था। कमरा खुला लेकिन दोनों लड़कों का सुराग नहीं मिला। मिले तो बस ये दो बोरे। देवास टू आगर मालवा 80 किलोमीटर की ये मिस्ट्री क्या है? बटौदा गांव है, बटौदा गांव में मेहरबान सिंह का खेत है। इसके खेत में जो है दो लाश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस पर से पुलिस आई तो घटनाक्रम यह पता चला कि शायद कल रात में जो है ये आरोपी ने अपनी बोलेरो गाड़ी से उसकी मोटरसाइकिल की टक्कर मारी और दो लोगों को यहाँ से वो ले गए थे, और लेने के बाद जो है शायद उनके साथ मारपीट हुई है, और मारपीट होने के बाद फिर ये लोग फरार हो गए थे। तो इस पर से जो है हमें सूचना मिली, और सूचना पे आके देखा गया, घटना की तस्दीक की गई, तो ये दो लाशें भी मृतक की पाई गई हैं। आगर मालवा के बटावदा गांव में जिस खेत पर दो बोरे मिले थे वो तार से बंद थे। इन बोरों को जब खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बोरों में उन्हीं लापता लड़के गोविंद और नंदराम की लाश थी। गोविंद अपने मौसी के लड़के नंदराम के साथ देवास से इस गांव में क्यों आया? तफ्तीश में ये बात सामने आई कि गोविंद और नंदराम की बाइक को बुलेरो कार से टक्कर मारी गई, फिर उनके साथ मारपीट की गई और फिर दोनों की हत्या कर दी गई। ये दो शव मिले हैं जो कि बोरे के अंदर दोनों ही बंद थे, बाहर से तार से पैक किया गया था, और शवों को देख के प्रथम दृष्टया में मामला हत्या का प्रतीत होता है। एक को शायद स्ट्रैंगुलेट करके अंतिम राय पोस्टमार्टम से आएगी, वो स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरे को डंडे की काफी चोट दिखाई दे रही है, उसके भी गले पे कई निशान हैं, तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। खेत में डबल मर्डर किसने किया और क्यों? कातिल कौन था? इधर मृतक के घर वालों ने FIR में जो कहानी बताई है उसके मुताबिक गोविंद अपने भाई नंदराम के साथ एक लड़की से मिलने गया था। मृतक के परिवार वालों के मुताबिक अक्सर गोविंद लड़की से मिलने जाता था। इधर हत्या में शक के दायरे में लड़की का पिता है, जिसने पुलिस को हत्या के पीछे कुछ और ही वजह बताई, जिसके मुताबिक गोविंद और नंदराम उसकी लड़की को परेशान कर रहे थे। लड़की का पिता ये संगीन इल्जाम लगा रहा है। आरोपी का जो अभी तक जो प्राथमिक जांच में ये कथन है या समझ में आया है
कि उसका कहना है कि उसकी बच्ची को ये लोग परेशान करते थे, ठीक से वो उनको पहचानता भी नहीं कौन लोग हैं, बट ये कि उनको परेशान करते थे, इस कारण से उसने घटना घटित की ऐसा। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि कत्ल में कितने लोग शामिल थे और कत्ल के पीछे की असल वजह क्या है, क्या मोबाइल की कॉल डिटेल से सच बाहर आएगा। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को महज 4 महीने ही हुए थे, जो मायके चली गई लेकिन मायके से पति के घर लौटती उससे पहले ही नई नवेली दुल्हन के पति का कत्ल हो गया था। आखिर कौन था जिसे इस शादी से नफरत थी, खुलासा होश उड़ा देने वाला है। नई नवेली दुल्हन ने ही बनाया था पति के कत्ल का प्लान, लेकिन आखिर क्यों? वो मौत बनकर घर में आई, सीसीटीवी में कैद सुराग, चाकू से वार, बिस्तर पर पति की लाश। शादी के 4 महीने बाद मर्डर, पति पत्नी और वो। करीब 4 महीने पहले दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लेते वक्त ये वादा किया था, वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन 4 महीने बाद कहानी बदल ही गई। मैरिज में मोहब्बत एक तरफा ही थी और मैरिज के 4 महीने बाद पति का कत्ल हो जाता है। भोपाल के बाग सिवनिया थाना इलाके में 25-26 जुलाई की दरमियानी रात राजस्थान के रहने वाले मानक राज पुरोहित की उसके घर के बिस्तर पर लाश मिली। ये इनकी शादी करीब 3 महीने पहले हुई थी और इसके पूर्व भी जो महिला है इसके पुरुष से प्रेम संबंध थे और इस शादी से वो खुश नहीं थी, इसको लेके इसने प्लानिंग करके। मानक राज पुरोहित की हत्या का प्लान उसकी नई नवेली दुल्हन आरती ने ही बनाया था, जिसकी शादी को महज 4 महीने हुए थे, लेकिन आरती ने प्रेमी राजा के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, जो वारदात से 2 दिन पहले मायके चली गई। आरती खंडवा के पुनासा की रहने वाली थी। इधर वारदात वाली रात को आरती अपने प्रेमी और एक नाबालिग लड़के के साथ पति मानक के घर पहुंची। आरती के दुपट्टे से मानक का गला घोटा गया। इसी बीच मानक के मोबाइल पर उसके भतीजे का कॉल आया। राज खुलता देख आरती सब्जी काटने का चाकू लेकर आई और फिर मानक की सब ने मिलकर हत्या कर दी। घटना दिनांक से 3 दिन पहले वो अपने मायके चली गई थी और वहाँ पे अपना जो इसका पुरुष मित्र था उसके साथ प्लानिंग करके यहाँ पे आए ये लोग और यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में उन्होंने एक कदुपट्टे से उसको नॉट लगा के उसका गला दबाया गया और साथ ही चाकू से इसको गंभीर वार भी किए गए। इसके बाद जो उसका मृतक का मोबाइल था उसको भी अपने साथ लेके गए हैं। आखिर 4 महीने की शादी का ऐसा खौफनाक दी एंड क्यों हुआ? दरअसल इस शादी के लिए आरती ने रजामंदी दी ही नहीं। वो राजा से प्यार करती थी लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मानक से हुई। इधर मानक पत्नी आरती को राजस्थान ले जाने वाला था। आरती राजस्थान जाने को तैयार नहीं थी, जिसने हत्या के लिए ये प्लान तैयार किया। जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, ये जो मृतक था उसकी पत्नी, उसका पुरुष मित्र और उनका एक सहयोगी इस घटना में शामिल है। उनको हमारी पुलिस की टीम ने पकड़ के और इसको खुलासा किया। पुलिस की पूछताछ में आरती पुलिस वालों को गुमराह कर रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सुहाग की कातिल को बेनकाब ही कर दिया। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश।